मेरा नाम मास्टर गुलाम सेन है और मेरा जो ताल्लुक़ है सुबहसन डिस्ट्रिक्ट सांगर ताल कश्यापुर से है। मैं बचपन में ही जो है मुझे रक्स का शौक़ था, जनून था। नाचना तो मेरे जिसम मेरे रग रग में शुरू में समाया हुआ था। जब मेरे उस्ताद इब्राहिम रचक से मुलाकात हुई, उसने मुझे पहले देखा, फिर उसने कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही डांस के मालूमात जो है मालूम करनी है, तो आपको अच्छी तरह सीखना है तरीके से, गुर से। उसने तकरीबन मुझे 15 साल डांस सिखाया, लेकिन मेरे घर वाले इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। जारी बात है, हमारे ख़ानदान में कोई फनकार तो है ही नहीं, ना कोई डांसर है, मैं ही अकेला हूँ, अता ही बच्चा हूँ। मैंने पहला डांस जो है सन 1982 में शहदादपुर में एक प्राइमरी स्कूल में मैंने डांस किया था। तकरीबन 10 जो सुबह सिंह के डांस है वो भी मुझे आते हैं। उसके अलावा क्लासिकल, कथक ठुमरी और कथाकली और भी बहुत से डांस हैं। भारतनाट्यम है, कुर्बी है, मणिपुरी है, ओडिसी है, ये भी मैंने सीखे हैं। ये हाथ जो है इसके भी मुख्तलिफ अंदाज हैं। आप देखो, ये इसको प्ले कहते हैं और इसको कहते हैं हाफ प्ले और इसको कहते हैं हाफ मून। और ये सारी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ डांस में हाथ से, इसको मुद्राएं कहते हैं। हाथों की मुद्राएं हैं, चेहरे के तासरात जिसको मुखलास कहता है। अक्सर बड़े बड़े जो उस्ताद हैं, गुरु हैं, जो डांस मास्टर हैं, अक्सर चेहरे से ज़्यादातर काम करते हैं। अभी जो डांस मैंने बनाया है, मोर 35 साल हो गए इस डांस में। मोर की चाल है, मोर की अदा है, कैसे देखता है बाहर को, कैसे देखता है, देखकर उनको खुश कैसे होता है, गम का माहौल कैसे करता है, वो कैसे परेशान होता है, अपनी खुशी का आज़ार जब बाहर आती कैसे करता है। तो ये सारा कुछ मैंने बनाया है। इसकी ड्रेसिंग जो मैंने बनाई है मोर डांस की, कम से कम भी 1300 पर हैं उसमें, और पूरा जून खुल जाता है तो पूरा ऐसा। मैंने अपने इस फन में अपनी माँ को कुर्बान किया। मुझे याद है हैदराबाद के असेंबली में प्रोग्राम था, मेरी अनाउंसमेंट हो गई तो मैं जा रहा हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ स्टेज की तरफ, मेरे शागिर्द ने मुझे पकड़ लिया। बोला क्या हुआ? बोला आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया, क्या होगी मेरी हालत? मैंने बोला आप इधर खड़े रहो, मैं एंट्री करके आया डांस करके, किसी को पता नहीं करे। मैंने दुनिया के सारे गम अपने सीने में रखे, अपनी सारी खुशियाँ उनको दिया, मुझे क्या हुआ? कुछ भी नहीं, माँ भी कुर्बान, जिंदगी वो तो अल्लाह के हाथ में। ये सिलसिला कारवां चलता रहेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा मैसेज है, किसी भी फनकार को, चाहे वो डांसर हो, चाहे गुलकार हो, चाहे मूसीकार हो, तो उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, ताकि वो आगे चल के अपने फन को जो जिंदा रख सकें।